और समर्पण का पावन पर्व करवा चौथ गुरुवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं। प्रदेश भर में धूमधाम से करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। माता और बहनें निर्जला व्रत रख रही हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खास तैयारियां इस बार महिलाओं की ओर से की गई हैं। सुहागिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखे हुए हैं। बाजार में भी करवा चौथ पर जमकर खरीदारी हो रही है। पति पत्नियों को उपहार भी भेंट कर रहे हैं और लगातार कई पत्नियां जो हैं वो भी शॉपिंग करते हुए नजर आई। कल भी जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई बाजार से, सहयोगी राकेश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, सुहागिनों के लिए सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ का, क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए सुहागिनों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सुबह से निर्जला व्रत ये होता है। हम दिखा सकते हैं आज बाजार पूरी तरीके से, यहाँ पर आपको जिस तरीके से महिलाएं जो घर परिवार की ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करने के लिए आती हैं, लेकिन बाजार में आज महिलाएं नहीं हैं क्योंकि बहुत बड़ी एक तपस्या होती है। सुबह से शाम तक पानी की एक बूंद लिए बिना ये पूरा व्रत रखा जाता है और यहाँ पर ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए ज़रूर कुछ महिलाएं सुहागिनें पहुँच रही हैं, लेकिन आज ये ऐसा दिन होता है जब महिलाएँ अपने कामकाज, घर के कामकाज में ज़्यादा व्यस्त होती हैं। पति उन्हें उपहार ले जा कर के देते हैं। हम इस वक्त जयपुर का ये वो बाज़ार है जहाँ पर अक्सर ज़्यादातर खरीदारी होती है। चौड़ा रास्ता, त्रिपुलिया गेट, इस पूरे बाज़ार में यहाँ बाकायदा जो करवा चौथ की पूजा पाठ के लिए सामान रखा गया है, ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर खरीदारी की जा रही है। लेकिन सुहागिने चूँकि घर आज निर्जला व्रत के कारण घर से कम निकलती हैं, इसलिए बाजार में सुहागिने और माता बहनें बहुत कम संख्या में निकली हैं। हम बात करते हैं आज करवा चौथ है, किस तरीके से यहाँ पर खरीदारी होती है। अक्सर आप यहाँ पर महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद होती है जब कोई फेस्टिवल, दूसरा कोई त्यौहार होता है, लेकिन करवा चौथ पर कम है। किस तरीके से मनाया जा रहा है, क्या कुछ ज़्यादा बिक रहा है? करवा चौथ के लिए हमारे पास पूजा थाली मिलती है, करवा चौथ की चलनी है, कलश है, लोटा है, करवा है, इस टाइप के आइटम मिलते हैं, बड़े फैंसी क्वालिटी के मिलते हैं। इसमें हमारे पास 200 रुपये से स्टार्ट 2,500 रुपये तक के करवा चौथ की पूजा थालियाँ होती है और महिलाएं का फ्लो बहुत अच्छा रहता है, उन्हें बहुत अच्छा पसंद करती है थालियों को, हमारी पूजा थालियों को, और करवा चौथ के लिए वो हमसे लेकर जाती है। बिल्कुल, देखिए पूजन सामग्री के लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। बाजार की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि इस बार करवा चौथ के व्रत का एक महासंयोग बन रहा है। 100 साल में ऐसा संयोग है जब मंगल और बुध दोनों एक साथ हैं। बुध आदित्य योग जो है इस बार करवा चौथ व्रत पर रखा गया है, तो इसके लिए महिलाएं बाकायदा जो विधि विधान से पूजा पाठ अर्चनाएं यहाँ जो कर रही हैं घर पर, जिस तरीके से व्रत रखा है। हमारे साथ उदयपुर से कमलेश दखनी और हिमांशु मित्तल भी कोटा से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए कोटा में क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप, क्योंकि खास पर्व और तैयारियां भी खास होती हैं आज के दिन के लिए? देखिए करवा चौथ का जो पर्व है वो किसी भी सुहागिन के लिए सबसे खास होता है। सुहागिन महिलाओं के लिए साल का सबसे बड़े पर्व के तौर पर होता है। अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये दिन व्रत वाला तो होता ही है, पूजा वाला तो होता ही है, मान्यताओं वाला तो होता ही है, लेकिन इन सब के साथ में होता है 16 श्रृंगार वाला भी। हाँ। तो तमाम जो महिलाएं हैं वो फिलहाल अपने सुहाग के लिए 16 श्रृंगार के लिए पहुंच रही है। ऐसे ही ब्यूटी पार्लर में हम है जहाँ पर बिल्कुल मैं सीधे तौर पर बात करूंगा। मैम देखिए आज का दिन वो दिन होता है जो बहुत खास होता है और साल भर इस दिन का आप लोग इंतजार भी करते हैं, आज वो दिन है तो ब्यूटी पार्लर आ गए। जी बिल्कुल, और वाकई में आज बहुत खास दिन होता है और बिल्कुल आप ये टाइम हमारा होता है जब हम पूजा की तैयारी करते हैं, तो सारी महिलाएं सजती है, संवरती है और अपने आप को निखारती है, और जो पूरा दिन का जो फास्टिंग होता है उसके हिसाब से लाइट और सटल मेकअप जो अभी सबके पहली पसंद होती है और बहुत अच्छा सा कुछ है स्टाइलिंग, तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और सजना संवरना वो हमारी महिलाओं का जो है वो एक, इसको बोलेंगे ना कि हमारा अधिकार भी है और सजना संवरना। ठीक है, कमलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, आप क्या तैयारियाँ देख पा रहे हैं उदयपुर में, महिलाएं कितना उत्साहित है इस पर्व को लेकर?
तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, अलग अलग जगहों से ये खास तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये महापर्व है और ऐसे में खास तैयारियां महिलाओं की ओर से की जाती हैं। राकेश, आपके पास आते हुए जरा दुकानदार से बात करिए कि इस बार अच्छी बिक्री हो पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से करवा चौथ का जो व्रत होता है, एक बाजार विशेष है जहाँ पर बकायदा सामान, आज करवा चौथ पर किस तरीके से आप यहाँ पर खरीदारी हुई है, किन चीज़ों की ज़्यादा महत्व इस बार दिया जा रहा है और किस तरीके से मनाया जा रहा है? हमारे पास करवा चौथ की थाली ली जाती है, महिलाएं थालियाँ लेकर जाती है और हमारे पास करवा चौथ की करवा चलनी, करवा पूजा थाली, करवा चौथ के लिए जो भी विशेष सामान होता है वो हमारे पास बिकता है, पूजा रिलेटिव जो भी है। और हमारे पास खूब वैरायटी की फैंसी थालियां होती है, बहुत पसंद की जाती है महिलाओं के द्वारा। बिल्कुल अलग अलग वैरायटी हम दिखाना चाहेंगे, रंग बिरंगी कलरफुल यहां पर छलनियां हम दिखा सकते हैं, बाजार में उपलब्ध हैं। चूंकि डेकोरेटिव ये बनाई गई है, करवा चौथ का विशेष जो महत्व है, महिलाएं सुहागिन अच्छे से मना सके, किस तरह की वैरायटीज इस बार करवा चौथ पर उपलब्ध है, किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्या ज्यादा पसंद है? आपकी बार थालियां बड़े पसंद है, छलनियां बढ़िया चल रही है, व्रत का अच्छा चल रहा है, थालियों भी चल रही है, चलनी भी चल रही है, फैंसी थालियों का चलनियों का चलन अच्छा चल रहा है इस टाइम सब कुछ, और बांदरवाल वगैरह लटकन ठीक है। तो शॉपिंग भी लगातार जारी है, महिलाएं ब्यूटी पार्लर भी पहुंच रही हैं आज के दिन को ज़्यादा खास बनाने के लिए, ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों तीनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें भी दिखाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे।